Assalamualaikum, this is Rahil Rauf और अभी हम जा रहे हैं चश्मा गोल्ड अपनी बोर्ड जहाँ खड़ी हुई। तो मेरा नाम राहिल रऊफ है और मैं सी फूड का काम करता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर राहिल रऊफ है। अपने बारे में बाद में कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। तो मैं बता रहा था अपने शिकार के बारे में। तो अभी शिकार इसलिए पिछले बांग से रुका हुआ है। बांग मीन फिशिंग डेट्स, जब पानी स्लो होता है मैंग्रूव्स का। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बोट की। रात को कल शाम में नाकुआ का फ़ोन आया था कि उसकी कोई पार्टी है, वो घूमने फिरने जाना चाहती है अपनी बोट पे। तो दैट्स वाई ही नीड्स दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बोट। आजकल नेवी की सख्ती हो रही है, जो अच्छी बात है और होनी चाहिए। हमारे भी बोट्स के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में नज़र आएंगे। आधा वापसी पे देता हूँ, मेरे पास खुला नहीं है, खुला नहीं है, वापसी पे देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा तो ये है, वापसी पे दे रहा हूँ दादा। अच्छा तो ये है। तो आपको भी अगर हमारी बोट पे जाना हो तो पहले चश्मा गोल्ड आकर विजिट कर लें, अगर और हमारी यूट्यूब की वीडियो में हमारी बोट देख सकते हैं। आपको कराची से बाहर भी प्रोग्राम बनाना हो तो हम आपको हर तरह की गाइडेंस फरहाम करेंगे, चाहे ओपन सी की हो या यहाँ मैंग्रूव्स की, चाहे यहाँ चश्मा गोट से हो, रेडी गोट से हो, गाड़ों से हो, बुआरों से हो और केटी बंदर से हो, हम आपका प्रोग्राम कहीं से भी बना सकते हैं। और फील फ्री टू कॉल। अस्सलामुअलैकुम, ये चश्मा गो, ये जो है ना इब्राहिम ढाई नंबर की चढ़ाई है। यहाँ से हम उतरते हैं तो सीधे हाथ पे जाएं तो इब्राहिम हैदरी आता है, और उल्टे हाथ पे जाएं तो रेडी गोड, पहले चश्मा गोड आता है फिर रेडी गोड आता है। इस रोड पे सीधा से जाएंगे, थोड़े खड्डे हैं। ये चश्मा गोड हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ आगे ही हमारी गोड खड़ी है, ये चश्मा गोड, और ये हम हैदरी वाले रास्ते से आ रहे हैं। हम लालाबाद से भी आ सकते थे और नवा चढ़ाई औरंगी पाँच छः नंबर का रास्ता है, हाँ छः नंबर से वो रास्ता आ रहा है जो हम आपको दिखा देंगे इन फ्यूचर। ये आप देख सकते हैं इसमें बोट आने वाला है। यहाँ से बोट्स की पार्किंग स्टार्ट हो गई है, बाकी हम जाकर बताते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और ये चश्मा गोट ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। चश्मा गोट का पानी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लोग टिकट ले, इस पे आपको एक गेट नजर आएगा, आगे आप आओगे मदरसा आएगा, उसके बाद एक गेट नजर आएगा और होटल आएगा। तो ये है चश्मा गोट का होटल और नाले वाला स्टॉप। और ये होटल का नाम भी है नाकू होटल, नाकू होटल ये होटल है, सही है भाई। और यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़े तो है न्यू फिशरी और चश्मा गोट की जेटी, सही है भाई। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने किधर पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमारी बोट की पार्किंग है, सही है। यहाँ हमारी बोट की पार्किंग है, पानी शुक्र है चढ़ा हुआ है, हमारी पार्टी जाने वाली है, हम थोड़ा लेट हो गए। हमारी बोट किधर है भाई, देखते हैं अभी हमारी बोट किधर है। तो ये चश्मा बोट है, चश्मा बोट से भी आप यहाँ से कश्ती में सवार हो सकते हैं। और हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हमारी कश्ती निकल जाए, तो हम यहाँ से नहीं जेटी से बैठे। ये न्यू फिशिंग जेटी है, बस पेपर से हुए चला के निकल वहाँ से, जेटी से आराम से खुश होकर बैठे आए आपको न्यू फिशरी दिखाए। दिस इज कॉल्ड कोरंगी फिश हार्बर, ये आपको दिस इज कॉल्ड कोरंगी फिश हार्बर। ये देखें सामने चश्मा को,
हार्बर। यहाँ से घूम कर आना पड़ता है। ये मार्केट है कोरंगी फिश हार्बर की, कोरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी। ये मेन धक्का आ गया, ये हम पहुंच गए कोरंगी फिश हार्बर के मेन धक्के पे। ये आप देख सकते हैं इधर से, और आप ये देख सकते हैं हम पहुंच गए। अभी हम अपने बोट मैन को देखेंगे जिसमें कामेट लगे हुए ना। हाँ हाँ, वो सपिंदरी है, वो पॉइंट सपिंदरी है, बहुत जबरदस्त है वो। आखिरी वाले कॉमेट पे लगाना, उसमें मुश्के ही मुश्के, और डाटी भी हिट करेगा उधर ही। वाह जी वाह, पाना दे रहा हूं, आ जाओ तुम पाना ले लो गाड़ी से। ये हमारी पार्टी जा रही है पेटियानी पे शिकार पे, तो आते हैं तो दिखाते हैं वीडियो आपको। क्या क्या नाम भाई? आदिल भाई सेंड करेंगे इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, दिस इज़ राहील रूफ। ये हमारी बोट जा रही है, अब देख सकते हैं ये सारे, ये हमारे दोस्त हैं डिफेंस गिजरी के, ये आज जा रहे हैं और संडे को उतरेंगे। तो आप भी देख सकते हैं ये बोट हमारी। This is our boat. My name is Raheel Rauf. निकलो निकलो निकलो। ये कहां से निकल रहे हैं? ये न्यू फिशरी है, आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से आप यहां से कश्ती में बैठ सकते हैं। और ये चली गई। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ राहील रऊफ। मेरा नाम राहील रऊफ है। आई ओन अ कंपनी नेम एस क्यू एंड आर फूड्स SMG प्राइवेट लिमिटेड। और अभी हम न्यू फिशरी में खड़े हैं, न्यू कोरंगी फिश हार्बर। और हमारी बोट जा रही है समंदर में 4-5 दिन की बुकिंग पे। वो आप हमारी बोट देख सकते हैं, वो उस तरफ जा रही है। दिस इज़ अवर बोट जो अभी निकल चुकी है। मैं नेवी में एंट्री करा रहा था, तो आपको वो भी दिखाता इंशाल्लाह। यूट्यूब की वीडियो में आप देख सकेंगे। और ये न्यू फिशरी है कोरंगी फिश हार्बर। तो मैंने सोचा हमारी बोट जा रही है तो आपको ज़रा कोरंगी फिश हार्बर भी दिखा दें। यहाँ पे आकर आप बोट पे भी, राइड पे भी जा सकते हैं। अच्छे नज़ारे हैं, सामने मैंग्रोव्स है, रोड भी अच्छी है, जेटी भी अच्छी बनी है, साफ़ सुथरी है। बोट वहाँ कोने तक पहुँच गई है। और ये डिफेंस गिजरी की पार्टी है, हमारे दोस्त यार हैं जो अभी संडे तक उतरेंगे, फिर उसके बाद हम मंडे को जाएंगे फ़िशिंग पे इंशाल्लाह। न्यू वीडियोस भी आपको मिलेंगी, और फ़िशिंग की, कुकिंग की, और इंशाल्लाह किसके क्या प्राइस हैं भाई? नाजिया नदीम भाई, क्या प्राइस फॉर बोटिंग? डिपेंड करता है कि आपको फिशिंग पे जाना है या सिर्फ घूमने जाना है। किस चीज़ के प्राइस आप मांग रहे हैं? आपको थोड़ा, सलाम अलैकुम।
12,000 हैं 24 आर के, 12,000 हैं 24 घंटे के, तो जिसमें हमें डीजल भी मैनेज करना होता है, डीजल भी हमारा होगा, और नाकुआ क्लासी जो दो दो लेबर जाती है, एक बोट चलाएगा बंदा और एक साथ उसके साथ हेल्पर होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट गाड़ी में होता है ड्राइवर कैलेंडर, इसमें भी सेम एज होता है। और आप को कुकिंग भी कराएंगे, गैस सिलेंडर चूल्हा भी अवेलेबल है, बाकी लकड़ी के उस पर भी होता है, तो इसमें आपको फिशिंग भी कराएंगे, क्योंकि ये जो ओपन सी है ना, उसमें फैमिली वगैरह और जो अनअवेयर है वो नहीं जा सकता, उसमें पानी में वर्म बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो मैंग्रोव्स आप देख सकते हैं, देखें पानी कितना ठहरा हुआ है, तो हम इसके कोने पे भी खड़े होते हैं तो मसला नहीं होता। ये आप देख सकते हैं बोट अभी कोना क्रॉस कर रही है, वो वहाँ पहुँच गई है। बड़ी बोट आपको कराची से नहीं मिलेगी, बड़ी बोट हमारी है उधर गाड़ो में, गाड़ो केटी बंदर हाईवे, जैसे आप घारो पहुँचे कैफ़े इमरान से राइट हैंड पे केटी बंदर हाईवे पे टर्न कर लिया, पहला शहर लेट छोड़ेंगे, बुआरो छोड़ेंगे और उसके बाद गाड़ो पहुँचेंगे। वहाँ पे भी जेटी है, बहुत खूबसूरत जेटी है, उसकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी और आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ है, उसमें आप जेटी गाड़ो की जेटी देख सकते हैं। वहाँ से बड़ी बोट है, उससे बड़ी बोट है, उसका तकरीबन 16,000 पर डे के लिहाज से, मतलब 24 आवर, जैसे आज आप जिस टाइम पे भी बैठे हों उस कल शाम तक उतर जाए, तो इसके होते हैं। शाहनवाज सईद साहब, मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप आराम से अपना, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे नंबर लिखने से मसला ये होता है कि यहाँ से नंबर डिलीट कर दें और अपना नंबर इनबॉक्स कर दें, इनबॉक्स करना सही होता है, यहाँ पे ये होता है कि चलें ठीक है मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। जज़ाकल्ला। नफीसा मारवी, वालेकुम सलाम। शाहनवाज सईद साहब, अपना नाम लिख कर ना मुझे मैसेज कर दे, मैं कॉल बैक कर लूँगा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आपको जेटी भी दिखाते हैं और भी, ये जेटी है, हम भी ज़रा ये बोट में बैठ रहे हैं, हम भी संडे मंडे को जाएंगे। ये देखें, इसको डूंडा बोलते हैं, हमारी लकड़ी की बोट है जिसकी फिशिंग के लिए, क्या लेडीज को जाना है फिशिंग पे? हैं, फिशिंग के लिए अच्छी जगह है, हमारे पास बहुत सारी जगह है, करीब की जगह भी है, पर करीब मछली जरा छोटी लगती है, आजकल तो वैसी मछलियां बड़ी, मैंग्रोव से मछलियां छोटी हैं, इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स और स्पेशल गाइडेंस चाहिए होती है कि आप मैंग्रोव्स में बड़ी मछली मार लें, बाकी छोटी मोटी दंदिया वंदिया हीरे के सीजन में तो आपको सबको लग जाता है, हीरा ऐसी मछली है वो सबको खा लेता है, मतलब आराम से आप कर सकते हैं। तो अभी गर्मियों का सीजन आएगा तो इसमें हीरा आएगा, उसमें हम बेट यूज करते हैं, चारा मीन वो लाइव होता है, जिंदा गुल्ला मड स्किपर फिश होती है। मैं आपको बोट जाते हुए दिखा नहीं सका, एक्चुअली नेवी में एंट्री भी करानी पड़ती है, आजकल सख्ती हो गई है तो ये सब कुछ करना पड़ता है। गया होटल पे गया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये न्यू फिशरी है। आई लाइक फिशिंग, नफीसा मारवी। ओके नफीसा मारवी, आप इनबॉक्स कर दे, आपको डिटेल बता दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं न्यू फिशरी, हम क्रॉस करके जा रहे हैं,
तो ये एक पॉइंट है न्यू फिशरी जिसपे आप आराम से, दरअसल उसमें बंदा गीला हो जाता है, तो न्यू फिशरी से जाने से ये होता है कि आराम से आप डायरेक्ट बोट पे बैठ जाओ। हाँ खुशहाल, चाय पी रहे हो? एक मिनट आया गाड़ी घुमा के। भाई ये कोरंगी फिश हार्बर, इसको न्यू फिशरी भी बोलते हैं। आपको ये दूसरी जगह दिखाते हैं, चलें आज टाइम मिल गया तो आपको दिखा ले रहे हैं। बड़े पानी में जाना है, ये टीप पानी और एयर बड़ी फिश हंटिंग करनी है। बिल्कुल मुझे भी बड़े पानी में जाना है यार। आप चलना चाहेंगे तो आपकी जो प्रोग्राम है वो अरेंज करवा देंगे। भाई ये चश्मा गोट है, ये देख लें, ये न्यू फिशरी के सामने चश्मा गोट है, और सामने जो है ना ये ऊपर लालाबाद की चढ़ाई है। लालाबाद से रास्ता आता है सीधा इब्राहिम हैदरी से रास्ता आता है यहाँ पे, और लालाबाद से लालाबाद मीन आप शेरपा वाले रास्ते से लांडी 89 से आएंगे, ठीक है, या तो फिर आप 6 नंबर कोरंगी 6 नंबर से आएंगे, वहाँ से भी एक दरअसल ये पहाड़ी है, पहाड़ी से उतरना पड़ता है, रोड बनी भी है। ये आप देख सकते हैं न्यू फिशरी, और वो गेट है सामने न्यू फिशरी का, और ये सामने चश्मा गोट कहलाता है, चश्मा गोट। ऊपर पहाड़ी पे एक मज़ार है, वहाँ चश्मा है तो चश्मा गोट इसलिए कहा जाता है इसको। जा कहाँ रहे हो आप खुले में? नहीं यार भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरी बोट गई है, मेरी बोट गई है, वो खुले में नहीं गई है, पिटियानी सपिंदरी खिलाएगी, पार्टी लेकर गई है। पार्टी क्या है, मेरे दोस्त यार है, और जितने हुक हंटर्स हैं वो सारे ज़्यादातर दोस्त यार होते हैं तो वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो इसी शौक पूरा करने के लिए बुलाई है, मंगाई है, बनाई है बोट। दरअसल ये चलती थी प्रॉन्स पे ना, ये तो नई बनाई है, प्रॉन्स के लिए बनाई थी, पर इस सीज़न में मैंग्रूव में प्रॉन्स नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादातर हुक हंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी यहाँ है, इधर मुश्के की जागीर है पिटियानी पे और सपिंदरी पे, जहाँ पे मुश्का तो लग रहा है। अब ये जो हमारी पार्टी गई है डाठी के शिकार पे गई है, डाठी डेंटेक्स फिश। तो जो भी लोग हैं, वालेकुम सलाम अफाक धारी जो भाई, भाई खुले में हम जाते हैं, मगर हम जाते हैं सुनहरा से, यहाँ से खुले में यहाँ से हम नहीं गए। अगर आपका मूड है तो आपको ले जाएंगे, मसला नहीं है, हमारे पास नाको आए यहाँ से खुले में। मैं मेरा ख़ुद ख्वाहिश हो रही थी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो खुले में जाएंगे अभी, क्योंकि जिगिंग का सीज़न आ गया, मतलब जिसको हम रमपाला बोलते हैं, तो तारू ख़त्म हो गया ओपन सी में, ट्रॉलिंग चल रही है या तो जिगिंग, तो सारम का सीज़न आने वाला है, तो इंशाल्लाह। भाई ऊपर ड्रैग करें, नंबर मैंने सेंड किया है, बाकी जिसको नंबर मेरा चाहिए इनबॉक्स कर ले, बाकी मैंने ये मैसेजिंग में नंबर सेंड किया है। अभी हमारे दोस्त यार बैठे हैं, आपको बहुत दिखा दिया चश्मा गोट और न्यू फिशरी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दिस इज़ राहील रऊफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम Q&R फूड्स SMC प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा पेज है फ्रेश एंड फ्रोजन सी फूड, हमारे पेज, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिशिंग वीडियोस। और बाकी ये है कि आपको सी फूड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, तो आप यू आर फ्री टू कॉल मी, तो इनबॉक्स करें, आपको कॉल खुद भी आ जाएगी, मसला नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे दोस्त यार होटल पे बैठे हैं, तो